सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हे दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल आरबी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक कल वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था अपने वीडियो को वायरल कैसे करें। सो इस वीडियो का जो वो वीडियो था वो ऑडियो पार्ट वन था और ये वीडियो पार्ट टू है, उसका दूसरा भाग है ना। तो मैंने सिंपल जो ट्रिक बताई थी वो बिल्कुल एकदम 100% वर्किंग ट्रिक थी, लेकिन वो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो भाग में कन्वर्ट कर दी है, मतलब इसका दो पार्ट में कर दिया, क्योंकि ये टोटल वीडियो 20 मिनट का हो जाता था, इसलिए मैंने उस वीडियो को 10 मिनट में भाग कर दिए हैं। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक एक ही ट्रिक है और ये 100% वर्किंग ट्रिक है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ से देख लेना, या फिर मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, चाहो तो वहाँ से भी देख लेना। लेकिन जब भी आप देखो, जो भी वीडियो देखो, जब भी देखो तब एक ही साथ दोनों वीडियो को देखना, तभी पता चलेगा, क्योंकि ये जो मैंने टिप बताई थी वो एक ही टिप है लेकिन वीडियो दो बनाया हुआ है ना। तो इस बात का ध्यान रखना और ये ट्रिक 100% वर्किंग ट्रिक है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से अप्लाई भी कर लेना। तो चलिए मैं आपको आगे का वीडियो अब इस भाग में बता देता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास बेल का आइकन होगा इसको जरूर से प्रेस कर दे, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही 100% वर्किंग ट्रिक है ये, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो मेन बात आती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो ये अभी मैंने आपको बताया ये कुछ भी नहीं था, ये अपलोड करने का टाइमिंग था और ये अपलोड के साथ साथ ये आप करो तो अच्छा रहता है, ये था। लेकिन अभी जो मैं आपको बताता हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, असली ट्रिक यहाँ से शुरू होती है। तो अब मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसके पास मोनेटाइजेशन ऑन है वो ट्रिक इसको अप्लाई मत कीजिएगा, जिसके पास ऑन नहीं है वही अप्लाई कीजिएगा, और जिसका मोनेटाइजेशन ऑन है उसको भी मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ उसको अप्लाई करना, और जिसके पास भी मोनेटाइजेशन ऑफ है, जिसका मतलब ऑन नहीं हुआ है, उसको क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। तो सिंपली आपको वैसे भी किसी भी ब्राउजर में यूट्यूब ऐप्स को सर्च कर लेना है। जी हाँ, आपको सर्च करने के बाद आपको एक और आईडी से आपको इसमें ज्वाइनिंग हो जाना, जैसे मैंने ये आईडी है, अब मैं इस आईडी से इसमें ज्वाइनिंग हो जाता हूँ, और जो भी अभी आपने जो भी वीडियो अपलोड किया है उसको वहाँ से इस आईडी से देखो। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसको एंड तक देखिए, है ना। अब आप कहेंगे इसे आपको न्यू लोगो है जिसका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिंदास जाओ और अपनी ही मोबाइल से अपने ही वीडियो को देखिए, उसका वॉच टाइम बढ़ाइए जिससे ये वीडियो सजेशन में आए, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे ही 4-5 ब्राउजर में जाके अलग अलग आईडी से उसी वीडियो को पहले अपलोड करने के बाद, जैसे मान लो आपका 30-40 व्यूज आ चुके हैं, इसी टाइम के बीच आपको भी 2-4 बार इस अलग अलग अकाउंट से देख लेना है, जिससे होगा क्या मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, अब होगा ये कि यूट्यूब के जो वॉच टाइम है, वीडियो का वॉच टाइम है वो बढ़ गया है, और यूट्यूब को लगेगा कि हाँ भाई इसका वीडियो देखा जा रहा है। अब यूट्यूब क्या करेगा, 100 लोगों को सामने वो वीडियो पेस्ट करेगा। जी हाँ, 100 लोगों के सामने ये वीडियो ब्राउजर फीचर में या सजेशन में कहीं पे भी 100 लोगों को सामने ये वीडियो आएगा। अब YouTube क्या करेगा, जो भी 100 लोगों को सामने ये वीडियो आ रहा है और उसमें से जो भी क्लिक करके वीडियो को एंड तक देखा है, तो वीडियो और ज़्यादा और 1000 लोगों के सामने ये वीडियो YouTube भेजेगा, है ना। लेकिन अब वो लोग 100 लोग हैं वो वीडियो आपके देखेगा नहीं, तो YouTube उस वीडियो को समझेगा उस वीडियो में कुछ भी नहीं है, और उस वीडियो को YouTube हटा देगा, उसको टेक डाउन कर लेगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब जैसे ये आपने काम कर लिया है, अभी आपको एक दिन रुकना है, और एक दिन के बाद दोबारा आपको YouTube पे आना है, और दोबारा 2-3 आईडी से आपको दोबारा से देख लेना है, है ना। क्या करना है, दोबारा से आपको 2-4 आईडी, आप इसी आईडी से दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना वीडियो खुद भी देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। तो आप वैसा ही करना, उस वीडियो को दोबारा एंड तक देखना, और देखो जब भी देखो तो एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसी गलती कभी मत करना। वीडियो देखो तब एंड तक देखना, है ना। तो इससे क्या होगा, जो यूट्यूब समझेगा जो मैंने 100 लोगों के सामने भेजा है उसमें से बहुत सारे लोग देखे हैं, और यूट्यूब को लगेगा हाँ भाई ये लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो और 100 लोगों के सामने यूट्यूब भेज करेगा, है ना। तो अब आपको कुछ 5-7 घंटे
घंटे के बाद आपको दोबारा यूट्यूब में जाना है, दोबारा से आपको अब ये वीडियो देखना है। ये ट्रिक बिल्कुल 100% वर्किंग है, मैंने खुद अप्लाई किया है। मैं आपको अपना वीडियो भी दिखाऊंगा, जैसे ये मेरा वीडियो वायरल हुआ है वो आपके सामने ही है, वैसे ही मैं सेम टू सेम किया हुआ है, ऐसे ही मेरा वीडियो वायरल हुआ है ना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब बात आती है जिसका मोनिटाइजेशन ऑन है वो लोग क्या करें। सिंपल है, वो लोग क्या करें, वो लोग आप दूसरे मोबाइल को ले लीजिए। जी हाँ, अभी आप घबराइए मत और इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा भी मत, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको क्या करना है, दूसरे के मोबाइल में यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपने लोगों पर आ जाना है, जैसे हम हमारे लोगों पर आ जाते हैं। इसके बाद आपको इसको ऑन कर लेना है, जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ टर्न ऑन इंडिगोट मोड है ना, इसको ऑन कर लेना है। जिससे होगा क्या कि जो भी आपके जिस भी मोबाइल में आप जो भी वीडियो देखेंगे वो वीडियो की हिस्ट्री कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ वो वीडियो देखा जाएगा, वो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो आपने देखा है ना। तो ये मोड ऑन कर लीजिएगा, जिसका सामने वाला का फ़ोन है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ ये वीडियो कभी भी हिस्ट्री में उसके हिस्ट्री में कभी भी नहीं आएगा, या किसी भी कोई भी उसको वीडियो को ब्राउजर में फिर में भी सर्च नहीं कर पाएगा है ना। तो ये बेस्ट आइडिया है, आप इसको अप्लाई करके बार बार किसी के मोबाइल में जाके वीडियो एंड तक देखो है ना। और ऐड हो तो ऐड में कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, आप सिंपल आपको वीडियो देखना है तो वीडियो एंड तक देख के छोड़ देना है ना। तो इसके बाद आप जब भी देख लो, इसके बाद इसमें फिर से लोगों पर क्लिक करना है और इसको ऑफ कर देना है ना। तो इसके बाद आपकी हिस्ट्री सेफ रह जाएगी, आपकी हिस्ट्री भी किसी के सामने नहीं जाएगी और आपका वीडियो भी देखा जाएगा है ना। ऐसी यही बेस्ट तरीका है अभी जो वीडियो वायरल करने का, इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। आप अलग अलग फ़ोन में जाइए और ये जिसका मोनिटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है वो भी कर सकते हो, जिसका मोनिटाइजेशन ऑफ है वो भी कर सकते हो, दोनों के लिए है। अगर आप अलग अलग फ़ोन से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और जो इसका ऑन नहीं हुआ है वो चाहे तो अपने से भी कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो फिर भी किसी और से फ़ोन किससे करे तो वो फिर भी बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी MI अलग हो जाएगी। तो YouTube को शायद चेक भी करें तब भी इसको लगे कि हाँ भाई ये अलग अलग मोबाइल से देखा जा रहा है, एक ही मोबाइल से नहीं दिख रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर अलग फ़ोन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है आपके वीडियो को रैंक करने का है ना। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम में इस वीडियो को दो चार बार देखते हो, मतलब आप 4-5 दिन में एक बार देखते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 5-7 घंटे में तीन चार बार देख लीजिए अपने वीडियो को है ना। तो ये बहुत ही जरूरी होता है, अगर आप 4-5 बार नहीं देखेंगे तो वीडियो अपने आप टेक डाउन होता जाएगा और बिल्कुल वीडियो को रैंकिंग गिर जाएगी, वो बिल्कुल आगे ही नहीं जाएगा है ना। तो आपको ये भूलना नहीं है, आपको थोड़ा सा भी वीडियो वायरल हो तो उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा देनी है, अपने काम करने की स्पीड और भी चेंज कर लेनी है, वरना ये फिर भी रैंक नहीं करेगा, वहीं पर रुक जाएगा है ना। तो मैंने ये अभी इससे अच्छा कोई भी आइडिया नहीं है, मैंने खुद अप्लाई किया है और यही मेरा वीडियो वायरल हुआ है। तो अब आपको अभी इस वीडियो वायरल करना है तो इससे बड़ी कोई भी ट्रिक नहीं है, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू। इसको ज़रूर से अप्लाई करना और मुझे कमेंट में भी बताना कि हाँ भाई आपका ये ट्रिक अप्लाई करके मेरा वीडियो वायरल होगा। वैसे मैं कहता हूँ 100% वायरल होगा, मेरा हुआ है तो आपका भी क्यों नहीं होगा है ना। लेकिन आप जब भी काम करो तो अच्छे से करना, सोच समझ के करना, बिल्कुल अच्छे से काम करना, जैसा टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल सब अच्छे से देना, और थंबनेल प्लीज खास करके बहुत ही अच्छा बनना, क्योंकि ये सवाल अभी आपका नहीं रहा है जो भी ये वीडियो देख रहा है, सवाल मेरा है कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपका वीडियो वायरल नहीं होता तो मुझे अफसोस होगा आपसे भी ज़्यादा है ना। तो प्लीज़ आप जब भी काम करो तो प्लीज़ अच्छे से करना, अच्छा सा थंबनेल बनाना, उसके बाद ही काम करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अप्लाई हो अच्छी लगी होगी और आपका भी वीडियो वायरल हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसा ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा ये वीडियो वायरल हुआ इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।